नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। आज निगोही बिजली उपकेंद्र में किसानों ने पब्लिक के साथ बिजली न आने के कारण की जबरदस्त धरना प्रदर्शन। जैसे कि आपको बताएं, आज निगोही बिजली उपकेंद्र में किसानों के साथ पब्लिक ने बिजली न आने के कारण जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और इस भयंकर गर्मी में लोग बहुत ही परेशान और किसान भाई सिंचाई की वजह से परेशान। और किसान भाइयों का कहना है कि 24 घंटे में 3 घंटे बिजली की सेवा दी जाती है और इस बिजली की सेवा को समय के अनुसार और बढ़ाया जाए। और ग्रामीणों का कहना है कि मुझे सिंचाई करने में काफी परेशानी होती है, जो कि हमारी फसल पानी के बगैर नहीं हो सकती। तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने हम सबका यही कहना है कि इस बिजली की समस्या को जल्द से जल्द सही तरीके से इसका निवारण किया जाए। बत्ती भाई साहब, नहीं हमको मिल रही 3 महीने से लगातार, यही कह रहे हैं आप, ट्रांसफार्म 25 को चल जाएगा, जून से लहरें लगा रहे हैं, 3 महीने हो गए बत्ती नहीं मिल रही, धरना प्रदर्शन है। काफी लोग मौजूद हैं। मैं जोगराज सिंह जी चक्रमदा से बोल रहा हूँ। भाई हमारे यहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, 3 महीने से हम लोग धान कड़ाई शुरू है, आज धरना करते हैं कल धरना करते हैं, कोई भी सुनता नहीं है। ना कोई यहाँ जेई आता है, ना कोई SDO आता है, कोई लाइन खोल के इधर करता है, कोई इधर करता है, कहते हैं आज बीसलपुर से आ जाएगी, कल शाहजहांपुर से आ जाएगी, कोई लाइट नहीं आती है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डीजल लाने के लिए पैसा नहीं है, 1400 रुपये मंथ हमसे बिल जा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा भाई परेशान हैं। धन्यवाद। आपने काफ़ी समस्याएं हैं किसानों की और विद्युत केंद्र जो भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सभी पब्लिक यहाँ पर परेशान है खासकर बिजली को लेकर, और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। धन्यवाद। बताइए, निगोई में लाइट की समस्या इतनी खराब है, देखते हैं हर 5 मिनट जंपर जाता है कहीं ना कुछ। जब यहाँ पे हाइडल में आओ तो यहाँ पे इन लोगों से कहो तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ अभी बना देंगे, अभी बना देंगे। हर 5 मिनट बाद जंपर कहीं टूट रहा, कहीं यहाँ टूट रहा, कहीं निगोई में कहीं टूट रहा है। इतनी समस्या खराब है, मुश्किल से 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बहुत समस्या समाधान है, हमारा यही है प्रदेश सरकार से जल्द लाइट में सुधार। नमस्कार, देवेश कुमार रेलवे फाटक के पास निगोई से, और खंबे के लिए आया था यहाँ पर उम्मीद लेकर के लगभग 8-10 दिनों पहले। मैं भी तो आया 8-10 दिनों पहले, उससे पहले कई भाई हमारे चक्कर लगा चुके हैं खंबे के लिए, और कोई भी खंबा हमारी गली में नहीं है। उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर 25 KV का रखा हुआ है, जिसपे कम से कम 70 से ऊपर कनेक्शन है, और सिंगल केबिल पड़ी हुई है, वो 8 दिन में जब चली जाती है केबिल, उसके साथ साथ में कोई भी कर्मचारी हमारा सुनवाई नहीं कर रहा है सर। थैंक यू। बहुत बिकट समस्या है, काफ़ी लोग बेहाल हैं गर्मी में, इस सड़ी गर्मी में, बरसात के दिनों में, और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बहुत संकट है यहाँ पर। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। धन्यवाद। तहसील मदद देवेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट।